नमस्कार दोस्तों, हमें वाराणसी के तिलमापुर में यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का धाम स्थापित हुआ है। आइए दिखाते हैं, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। वाराणसी में माता वैष्णो देवी के मंदिर आने का रास्ता ये सामने आप देख सकते हैं, इसको बलुआ रोड बोलते हैं। आशापुर से जब आप पचकोसी की तरफ बढ़ेंगे तो चंद्रा चौराहा से ठीक 2 किलोमीटर अंदर आप बलुआ रोड पर आएंगे। तिलमापुर नामक स्थान है और रोड अभी हमने आपको दिखाया, रोड से ठीक दाहिने साइड यह माता वैष्णो देवी धाम है। आइए अंदर चलते हैं, पूरा डिटेल आपको दिखाएंगे, इस मंदिर की महिमा बताएंगे। मंदिर के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, दाहिने साइड आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नव ग्रह के कैसे दर्शाए गए हैं। आइए इनको आगे से देखते हैं और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नवग्रह मंडप, शुभ और लाभ। ये नवग्रह मंडप हैं, आप देख सकते हैं कि नवग्रह को यहाँ पर कैसे दर्शाया गया है। ये मंगल हैं, राहु हैं, शनि हैं और बाकी के तमाम नवग्रह हैं। काफ़ी दिव्य स्थान है। यहाँ पर एक संस्कृत स्कूल भी है, आप देख सकते हैं सामने। मंदिर के अंदर भी हम आपको लेके चलेंगे, गुफा में भी घुसाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं मंदिर परिसर कितना शांति प्रिय यह स्थान है और मंदिर के दीवालों पर दोहे लिखे गए हैं। इस मंदिर में माता वैष्णो देवी जो जम्मू कश्मीर में है वहां से अखंड ज्योति जला करके लाया गया है, ऐसा कह सकते हैं कि उन्हीं का यह एक स्वरूप है। आइए आपको दिखाते हैं बिल्कुल करीब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्थान भी है और यहाँ पर आप अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं या कि फिर 4-व्हीलर से भी आएँ तो भी यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल निःशुल्क है। चलिए हम लोग अंदर चल के दिखाएंगे आपको। फिलहाल आप यह मंदिर परिसर देख लीजिए, क्योंकि अभी जब हम आए हैं तो करीब 12:30 बज रहा है। दोपहर में 1 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है और दोपहर में फिर 1 बजे से मंदिर खुल जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि कार्य प्रगति पर है, बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो मंदिर था वो तो करीब 200 साल पुराना था, गुफा भी 200 साल पुरानी थी। शिव मंदिर है यहाँ पर और यहाँ पर बजरंगबली की भी मंदिर है बगल में, आप दिखाएंगे उसको भी। और यहाँ पर एक पुराना सा कुआं है और यहाँ पर देख सकते हैं श्री 1008 श्री ब्रह्मचारी चतुरानंद सेवा केंद्र है जो कि बहुत पुराना है और इसी के अंदर गुफा है। जैसे ही गुफा खुलेगी हम आपको अंदर भी लेकर के चलेंगे। आइए आगे लेकर के चलते हैं और तमाम चीज़ें आपको दिखाते हैं। इस मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी है, आइए आपको आगे ले चलते। देखिए लिखा है माता वैष्णो देवी धाम। अभी कुछ ही दिन पहले यहां पर भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी भी आई थी जो माता का दर्शन की और आशीर्वाद ली। आप यहां पर देख सकते हैं आंवला का पेड़ है और यहाँ पर इस प्रकार से चुनरी रखी गई है और आंवला के पेड़ की पूजा की गई है। जैसा कि आपको पता है कि आंवला औषधियों से युक्त है और आप देख सकते हैं कि इस पेड़ पर पत्तियाँ कम और फल ज़्यादा लगे हैं, अंगूर के जैसे आंवला यहाँ पर लगा हुआ है। माता वैष्णो देवी धाम, यह पवित्र मंदिर आपके सामने। अभी मंदिर का मुख्य गेट बंद है इसलिए आइए थोड़ा सा आपको और परिसर दिखा दें। यहाँ पर एक खूबसूरत तालाब भी है, तालाब के बगल में बजरंगबली का यह मंदिर है। निश्चय प्रेम प्रतीति विनय करे सम्मान, तेही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, सिद्ध पीठ बजरंग धाम यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है। और यहीं बगल में एक भव्य पोखरा भी है, आपको उसको भी दिखाते हैं। और जैसे ही मंदिर परिसर खुलेगा हम आपको अंदर लेकर के चलेंगे। यह देख सकते हैं कि वट वृक्ष है और यहाँ पर कुछ कन्याएं इस सरोवर के तट पर आनंद ले रही हैं और आप देख सकते हैं
कितना खूबसूरत सरोवर है, चूँकि आगे भी अभी बन रहा है, कार्य प्रगति पर है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप CCTV के कैमरे में हैं या आप कैमरे की जद्दोजहद में हैं। तो धीरे धीरे अब वक्त हो चुका है गेट खुलने का, आइए आप सभी को अंदर लेकर के चलते हैं उस गुफा में जहाँ माता रानी हैं। तो भक्तों, माता रानी का गुफा है, और उसके पहले आप स्लीपर अपना निकाल देना है, और स्लीपर निकाल के अंदर चलना है, और अंदर जैसे ही चलेंगे आप देखेंगे भव्यता दिव्यता। ये देखिए कितना अलौकिक है, कितना भव्य है, मन को मोह लेने वाला, राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। ये देखिए चरण पादुका है, और श्री रामचंद्र जी हैं, माता सीता हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, और आप देख सकते हैं कि हनुमान जी भी हैं बगल में, नीचे हनुमान जी हैं। ये देखिए जय श्री राम। यहाँ पर देख सकते हैं कि भोलेनाथ हैं, और उसके बगल में शनिदेव, और आगे माता रानी का भव्य दरबार। गुफा का यह प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम लोग गुफा में घुस जाते हैं अंदर, और उसके बाद अंदर चलेंगे। गुफा की हाइट करीब करीब 4 फुट है, यहाँ पर तो थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे ही अंदर जाएंगे तो करीब करीब 4-4.5 फीट की गुफा है। आप देख सकते हैं कि अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, और अंदर हालांकि कैमरा अलाउ नहीं है, बस यहीं तक कैमरा ला सकते हैं, जो मुख्य माता रानी का गर्भगृह है वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है। और यहाँ पर एक दिव्य स्थान है, देखिए और इन्होंने ब्रह्मचारी चतुरानंद जी ने इस तपोवन का जो है कि स्थापना किया था, श्री ब्रह्मचारी सोमनाथ जी महाराज हैं। और ये देखिए मेन माता रानी, यहाँ पर काल भैरव जी का स्थान है। और चलिए अब हम लोग बाहर की तरफ निकलते हैं, देखिए बाहर जाने का यह रास्ता है। तो ये है थी माता रानी की गुफा, और काफ़ी भव्य नज़ारा है बाहर की तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ से एग्ज़िट द्वार है। तो ये है माता वैष्णो रानी का धाम। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे एक बार जय माता दी ज़रूर लिखें।